वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थी हैप्पीनेस। आज मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ कि आप कैसे काइन मास्टर में अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हो, उसके ऊपर टेक्स्ट वगैरह इफ़ेक्ट्स वगैरह कैसे लगा सकते हो। सो दोस्तों पूरी वीडियो अंत तक देखो। तो चलिए सबसे पहले मैं अपनी गैलरी से वीडियो इम्पोर्ट कर लूँ काइन मास्टर में। ऑल में जाके एक वीडियो सेलेक्ट कर ली, आप कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखो ये वीडियो इंपोर्ट होगी एज ए लेयर। अब मैं वीडियो को प्ले करूंगा। दोस्तों अगर मेरा चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक करके फॉर मोर अपडेट्स। अब मैं इसमें टेक्स्ट लिखूंगा, टेक्स्ट लेयर सेलेक्ट करके मैंने हेल्थी हैप्पीनेस लिख दिया। ये देखो हेल्थी, इसको मैं कैसे जहाँ मर्जी ड्रैग और ड्रॉप कर सकता हूँ, कहीं भी ड्रैग करके ले जा सकता हूँ इसको। आप भी अपने अकॉर्डिंग पोजीशन सेट कर लीजिए। ये देखो ये बोल्ड कर दिया मैंने। साइड पे ये सारी टेक्स्ट लेयर की ऑप्शंस ओपन होगी। ये मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। ये देखो येलो कलर, लाइट येलो कलर हो गया। ये है इनकमिंग इफ़ेक्ट्स, कैसे ये ओपन हो, पॉप अप राइट से फेड होके। इसके साथ मैं आउट एनिमेशन भी सिलेक्ट करूँगा कि कैसे ये जाए। ये सारी टेक्स्ट ऑप्शंस है, आउटलाइनिंग कैसे करनी, टेक्स्ट शेडो देनी, ब्लेंडिंग ऑप्शंस, कैसे मैं उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आगे पीछे ले जा सकता हूँ कि मुझे ये टेक्स्ट कितनी देर तक दिखाना है इस वीडियो में। आज हम लोग बनाएंगे, देखिए ये जब कंप्लीट हो जाएगा येलो बार के बाद ये एनिमेट होके ये गायब हो जाएगा। ये देखो ये इस लेयर में जाके मैं टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैंने क्लासिक ऑप्शंस जो काइन मास्टर प्रोवाइड करता है स्माइली वगैरह, वो भी ऐड कर सकता हूँ। कैसे उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ड्रैग करके बड़ी छोटी रोटेट वगैरह भी कर सकता हूँ। ये सारी ऑप्शन ये प्रोवाइड करता है। इसके बाद ये देखो मैं ओवरले को भी सेट कर सकता हूँ। उसके लिए आप चेक कर सकते हो वीडियो को आगे आगे पीछे करके। ये देखो मैंने इफ़ेक्ट्स लगा दिए, जितना जितना सिलेक्टेड है उसके अंदर अंदर वाला पोर्शन फेड हो रहा है। ऐसे तरह तरह के इफ़ेक्ट्स है इसमें, आप पेड भी ले सकते हो उसको। पेड वर्जन में और इफ़ेक्ट मिल जाते हैं हमें। इफ़ेक्ट्स, ओवरले, हैंड राइटिंग, टेक्स्ट, लेयर सेलेक्ट कर ली। लेयर के अंदर मैं और भी इफ़ेक्ट्स लगा सकता हूँ। ये देखो अलग अलग इफ़ेक्ट्स, मैं इफ़ेक्ट्स के अंदर कुछ लिखना चाहूँ। ये देखो टेस्ट आ गया। ये अलग अलग तरीके के इफ़ेक्ट्स हैं। कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखो मैंने सेट कर दिया कि वीडियो के यहाँ तक ये इफेक्ट आए, उसके बाद ये चला जाए। आप कुछ भी लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैंने जस्ट वीडियो बनाने के लिए टेक्स्ट लिखा टेस्ट। ऑडियो ऑप्शंस भी है इसमें, ऑडियो म्यूट भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं वीडियो को। मैंने उसको थोड़ा फास्ट कर दिया। देखो आप वीडियो अंदर कैसे प्ले हो रही है फास्ट।
ये स्पीड है कम कर दी, नॉर्मल वन पे होती है। लेयर को सिलेक्ट करके स्पीड, अब देखो मैं इसको कट करने वाला हूँ, इतनी वीडियो मुझे नहीं चाहिए। ट्रिम टू राइट टू प्ले स्प्लिट 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 एज प्ले हेड में का मतलब है कि बीच में कोई वीडियो और लगानी चाहते हो तो ट्रिम टू राइट। देखो मैंने ट्रिम टू राइट कर दिया, वो आगे वाली वीडियो डिलीट हो गई। ट्रिम टू लेफ्ट ऐसे ही आप यूज़ कर सकते हो, ट्रिम टू लेफ्ट हो जाएगा। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑलराइट।